जामनगर की बात करिए तो जामनगर कस्टम विभाग में एक करोड़ ना सोना की चोरी थी। कस्टम विभाग जाप्ता में रहे रूपया 1.10 करोड़ सोनू चोरी गया की घटना बनी। कच्छ कस्टम द्वारा भूकंप समय जामनगर कस्टम में आज सोनू जमा करावे हतु, त्यारे आ सोनू पाछो सौंपती वेळाए 2 किलो जेटलो ओछो मळ्यो हतु। त्यारे आ चकचारी घटना की कस्टम विभाग में दौड़धाम मची गई छे। जामनगर कस्टम विभाग द्वारा सीटी बी डिविजन में आ मामले पोलिस फरियाद नोंधाई छे। कड़ी नजीक हरपोले कॉटन इंडस्ट्री में रूपया 10 लाख की चोरी की घटना बनी। मोड़ी रात्रि चोरी करनार 5 आरोपी सीसीटीवी में कैद थया। पुलिस फरियाद नोंधी सीसीटीवी फूटेज आधार हवे आरोपी शोधवाना चक्रो गतिमान कर्या। तापी जिला में नवसारी एसीबीए व्यारा पुलिस हेडक्वार्टर कोंस्टेबल ने 10,000 की लांच में झड़पी पाड़ियो। खोटी रीते लाकड़ा चोरी केस में फसावी देवानु कही मांग करी थी 50,000 की लांच, जे पैकी 40,000 लीधा था ने बाकी 10,000 लीधा एसीबी छटका में झड़पाई गया। दूषित पानी ने लईने जूनागढ़ में केशोदना घेड़ पंथकना खेडूतो में रोषनी लागणी व्यापी। जतपुरनी आसपासना नाना मोटा साड़ी उद्योगनुं केमिकलवाळुं पाणी ठलवाय छे। बामणासा घेड़ गामे ओजत नदी में जेना कारणे नदी प्रदूषित बनी छे। जीपीसीबी द्वारा कार्यवाही नहीं लेवाय तो उग्र आंदोलननी खेडूतोए चीमकी उच्चारी। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में प्रदूषित पानी छोड़नारा 5 शख्सों विरुद्ध जीपीसीबी द्वारा मांजलपुर पोलिस स्टेशन में फरियाद नोंधाई छे। मारेठा गाम नजीक नदी में छोड़ायो हतो दुर्गंधयुक्त एसिडिक पानी। साबरकांठानी शक्ति ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत अने मां योजनामांथी 3 मास माटे सस्पेंड कराई। लाभार्थी दर्दीओ पासेथी तपास माटेना चार्ज लेवामां आवतो होवानी फरियादो मळता जिला आरोग्य विभागे कार्यवाही करी। सांसद रंजनबेन भट्टनी अध्यक्षता में वडोदरा एरपोर्ट सलाहकार समिति की एक बैठक मळी। कोरोना में केवी रीते कामगीरी थाय ते अंगे बैठक में चर्चा थी। ट्राफिक नो मुद्दो फ्लाईओवर जेवा मामला विषे चर्चा करवामां आवी। गीर सोमनाथ कोड़ीनार मुख्य बजार में रखड़ता आखला आतंक सामने आयो। राहदारी ने हवा में फोंगोड़ता दृश्य सीसीटीवी में कैद थे। राहदारी ने माथा भागे ईजा पहुंचता सारवार माटे खसेड़वामां आव्यो। पंचमहाल जिला घोगंबा में दीपड़ाए 10 दिवस आतंक मचाव्यो। दीपड़ाए 2 बाळकी भोग लीधो है जयरे 4 लोग इजाग्रस्त थे। दीपड़ाए 4 पशुओं मारण कर घोगंबा तालुकाना ग्राम्य विस्तार में दहशत फैलावी छे। राज्य में महत्तम तापमान में सरेराश 3.6 डिग्री घटाड़ो नोधायो। गुजरात में खास तो सौराष्ट्र कच्छ में हजू पर 2 दिवस कोल्ड वेव यथावत रहे तेवी संभावना हवामान विभागे व्यक्त करी छे। राजस्थान हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री नोधायो। गुरुवार माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री नोधायत और रात्रि दरमियान ठंडी जोर वधता रात्रि ठंडा पवन साथ तापमान घटीने -2 डिग्री पर पहुंच्यू। माउंट आबूना कुंभारवाड़ा गाम में सौथी वधु ठंडी की असर अनुभवाई। अतिशय ठंडी ने कारण गुरुशिखर पर जूज संख्या में सहलाणियों जोवा मळे छे। नक्की लेकना किनारे उभी रहती बोट पर छवाई गयो बरफनी चादर। दाहोद देवगढ़ बारिया सहित जिला में भारी ठंडी। देवगढ़ बारिया में वहली सवारे छवायु धुम्मस। ठंडी थी बचवा हवे लोग तापणा ना सहारे। एशियानी सौथी मोटी बनास डेरीए जलसंचय की कामगीरी पर भार मूक्यो। बनासकांठा जिला में वरसादी पानी ने रोकीने केवी रीते जलसंग्रह थाय तेनी कामगीरी ने लईने बनास डेरी हवे आगळ आरंभी छे। विश्वना सौथी मोटा स्टेडियम में T20 अने टेस्ट मैच रमाडवानी तैयारीओ चाली रही छे। आगामी फेब्रुआरी मार्च महीना में अमदावादना मोटेरा स्टेडियम में भारत अने इंग्लेंड वच्चे टेस्ट अने T20 मैच योजाशे जेने लईने पूरजोश में तैयारी चाली रही छे। एक महीनो बंद रहे बाद फरी हवे सी प्लेन शुरू थशे। अमदावाद थी केवड़िया सुधीनी आ सर्विस शुरू थशे। 27 डिसेम्बर रूट पर 2 फ्लाइट शुरू करवामां आवशे। 20 डिसेम्बर थी तेनुं बुकिंग शुरू करवामां आवशे।